शुरू किए थे बांस का स्टिक से। 14-15 साल तक हम बांस का स्टिक से ही खेला। बांस का जो माजा था वो उस स्टिक में माजा नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में आदत हो गई। मुरगट कप और खासी टूर्नामेंट गांव-गांव एंट्री होता है, वहां पर जो अच्छा खिलाड़ी पुराना खिलाड़ी लोग मुर्गा कप निकालता है उनके पास जाके फीस होता था 2.5 रुपया 5 रुपया 15 रुपया तक हम लोग जमा करके जमा करते थे और वहाँ पर एंट्री होती थी। एंट्री होने के बाद में हम लोग को उस टाइम तो कोई मोबाइल सुबाइल नहीं था, सिर्फ बता देता था मुँह की कि इतना तारीख को संडे को या सैटरडे को आप लोग का मैच इतना बजे होगा, तो हम लोग पहुँच जाते थे और हम लोग खेलना शुरू कर देते थे। वहाँ हम 40 इंच लंबा स्टिक से खेला। कोई भी खिलाड़ी लंबा स्टिक से नहीं खेल पाता है क्योंकि उसमें हीट मारने का या पुश मारने के लिए दिक्कत होती है, लेकिन हमको ऐसे कोई नहीं लगा कि हीट मारने में या पुश मारने में बहुत अच्छा लगा और हम ओलंपिक तक पहुंच गए। 1983 में जब हम लोग होलैंड गए थे चैम्पियन ट्रॉफी के लिए और हम लोग का मैच पड़ा था पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान 3-1 से वो लोग लीड कर रहा था। जब हम लोग का पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट राजेंद्र सिंह था और वो लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिला और दोनों गोल किए और बराबर किए, बराबर करने के बाद में हम लोग पाकिस्तान को 4-3 से हराए थे, वो यादगार है। और उसी टाइम मेरा भी जो गेम था मंजूर जूनियर वो वर्ल्ड का 1 खिलाड़ी था, उसको हमने पूरा रोक के रख दिया, रुला के रख दिया, उसको एक बॉल हमसे पार नहीं कर सका। और उसी टाइम हमको पीठ में थपथपाया कि टोपनो मान गए। हमको लगता है झारखंड से पुरुष वर्ग में 5 ओलंपिक खेले हैं और 5ों जो ओलंपिक की खेले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होता है। जब इतना अब एशियन गेम या वर्ल्ड कप खेल लीजिए कोई फायदा नहीं है, एक ओलंपिक आप खेल लीजिए तो आपके नाम के आगे एक ओलंपियन जुड़ जाता है, इसलिए ये ओलंपिक खेलना बहुत ज़रूरी है और ये फायदेमंद भी है। हम लोग जब शुरू किए थे तो बांस का स्टिक से शुरू किए थे और हम लोग के टाइम में एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, एस्ट्रोटर्फ हम लोग को देखने के लिए नसीब नहीं होता था, लेकिन आजकल का जो बच्चा है उनको स्टिक भी अभी अच्छा से अच्छा स्टिक मिल जा रहा है और एस्ट्रोटर्फ भी खेलने के लिए मौका मिल रहा है। तो ऐसे हालत में जब हम लोग बांस का स्टिक शुरू किया, उबड़ खबड़ ग्राउंड में शुरू किए और ओलंपिक तक हम लोग पहुँच सकते हैं, तो हम आजकल का जो बच्चा बच्ची लोग को यही कहना चाहेंगे और यही संदेश देना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी मेहनत करें, अच्छा डिसिप्लिन रखें, रोज ग्राउंड में आए खेले। और हम भी नहीं सोचा था कि ओलंपिक तक पहुँचेंगे, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओलंपिक तक जरूर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको दिल जान से मेहनत करना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हैं दिल लगा के प्रैक्टिस कीजिए, दिल लगा के खेलिए, और जो कोच आपको बता रहा है गलतियां, वो गलतियां को आप दूर कीजिए। जरूर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर ओलंपिक तक पहुंचेंगे।